अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू परवीन लाइफस्टाइल। आज मैं आपके साथ मंदेली फ़िश की फ्राई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही क्रिस्पी और करारी सी बनती है और बहुत टेस्टी भी। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन में फ़िश को लेना है, अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेना है। इसके अंदर लेमन लगा के आधा घंटे के लिए मैंने रख दी थी, ताकि इसके अंदर जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से क्लीन हो जाए। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी अच्छी तरह से मैंने इसको साफ़ किया है। इस तरह इसको साफ़ करके आधे घंटे के लिए लेमन लगा के रख देना है, नींबू को। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है 2 टेबलस्पून, हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड करना है, रेड कश्मीरी मिर्च ऐड करना है 1 टेबलस्पून, और ये एवरेस्ट का फ़िश फ्राई वाला मसाला है, इसको भी ऐड करना है 1 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट टू टेस्ट, नमक भी अपने हिसाब से ऐड करना है। अभी सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर मसाले अब्सॉर्ब हो जाए, और इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे। इसके बाद एक बर्तन में चावल का आटा लेना है 2 टेबलस्पून, सूजी लेना है 2 टेबलस्पून, और रेड मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून। इससे हमारे बहुत ही टेस्टी बनता है, स्पाइसी बनता है बहुत ही फ़िश, और नमक भी ऐड करना है। इस तरह इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करके रख देंगे। इससे हम फ़िश की कोटिंग करेंगे, इस तरह फ़िश के ऊपर ये लगा लेंगे। इस तरह अच्छी तरह से इसको लगा लेना है। सारी फ़िश को हम इसी तरह लगाकर रख देंगे एक बर्तन में। इसके बाद एक फ्राई पैन लेना है, इसके अंदर ऑयल ऐड करना है, और इस तरह हम फ़िश को इसके ऊपर रख देंगे फ्राई करने के लिए। इस तरह सारी फ़िश को हम रख देंगे इसके ऊपर। इस तरह सारी फ़िश हम इस तवे पे रख देंगे और अलट पलट कर इसको हम फ्राई करेंगे। देख सकते हो आप लोग, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी लग रहा है। अभी हम इसको बर्तन में एक निकाल लेंगे। फ़िश तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोग बताइए आप लोगों को ये कैसी लग रही है फ़िश। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लग रही है ना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाना और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।